और माँ भगवती उनका स्वरूप छो और आप सब लोग उतने आशीर्वाद देने वास्ते माँ भगवती आप लोगों की सी बाणी छे और आप सब लोग आशीर्वाद दे रहा और आज पूरा देश दुनिया में घूमते हुए ये डोली पारंपरिक द्वारा सरकार बनी है और आप सब लोगों का आशीर्वाद देने वास्ते आप लोगों बीच में रहे और आप जो भी मांगला कुछ भी माँ के आप वो करना तो आप सबका जो है माँ जो है कल्याण करेगी और आपको आशीर्वाद देती जाएगी। और दीपा पंत के पे महेश मंच पर आ जाए सह गाने के लिए इस गाने में अपना साथ देने के लिए। जय भारत जय तुझे प्रणाम सत सत तुझे प्रणाम। उत्तराखंड में गंगा जमुना जय जय पंच प्रयाग I'm not afraid of the dark।
भगवती
मांगोगे वो मिलेगा। पावन धरती उत्तराखंड की देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सब लोगों को बना। सब लोग हाथ खड़े करेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ देनी है जय मेरी नंदा भगवती माँ। तालियां कम नहीं होनी चाहिए आपके। देनी है जय मेरी नंदा भगवती माँ। जान चौमा जान जाके दास माँ। देनी है जय मेरी नंदा भगवती माँ। जान चौमा जान जाके दास माँ। देनी है जय मेरी नंदा भगवती माँ। लोग नाचते नजर आ रहे, बैठे बैठे भी नाच कर एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये नाच किए
अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे, टूलूस के बच्चे हैं सारे, एक क्या कहेंगे हैं कि जो भगवान शंकर विराजमान चल दिवाली गाड़ी गाड़ी में आवाज चली जानू केवल आप सब लोगों के लिए नौ पक्ष आशीर्वाद नवासा संस्था के माध्यम से उत्तराखंड भारती मंडल के लिए पर जोरदार ताली जोरदार तालियां आप घर में कोई भी नौ की ज्योति सदा जगती तो क्या करिए आपका हाथ लगाओ नीचे सभी लोग जय माता दी।
तो यहाँ पे सारे लोग पहुंच चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार, और जिस तरह से यहाँ पे क्राउड नजर आ रहा है कि भैया छोड़ेंगे नहीं, सौर बताने की और हमारी मीना यहाँ ये काफी बेहतर चाहते किस प्रकार से माहौल बना पड़ा यहाँ पे उत्तराखंड क्षेत्र वासी यहाँ पहुंचे पड़े सारे। कुछ लोग हैं जो गायकार भी सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छा लग रहा है, एक मौका मिल रहा है सबको यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गायकार भी गाने वाले हैं और काफी भीड़ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं टाइम मिलता है। लेकिन 2-3 स्टार्ट क्या करें क्या करें क्या करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं, काफी हमने कैप्चर किया, काफी अच्छा लगता है यहाँ पे अवंतिका में आके रोहिणी के अंदर जो सेक्टर 1 के अंदर था, और काफी अच्छा था जहाँ पर हमें नंदा देवी का डोला भी मिला, काफी बेहतरीन था। और आज हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कैप्चर किया जाए और दिखाया जाए किस अपने माध्यम से, और काफी जो डोला बहुत शानदार बहुत बेहतरीन निकला था। और चलते हैं उस जगह पर, दूसरी जगह पर यहाँ शूट करने वाले हैं हम, और वहाँ का भी कवर करते हैं क्योंकि वहाँ का भी हमें नहीं होता था। चलते हैं वहाँ पर करेंगे अपडेट सारा आपको, और वहीं मिलेंगे। और इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं, और फिर आगे भी कभी यहाँ मौका मिलेगा फिर हम लाएंगे। यहाँ पर काफी अच्छा लगा, यहाँ का काफी एनवायरमेंट अच्छा था, काफी सुंदर लगा था। यहाँ पहाड़ पे पहुँच गए तो ज्यादा बातें नहीं करते, यहीं इसको खत्म करते हैं और चलते हैं वहाँ पर जहाँ आज दूसरा प्रोग्राम होने वाला है, और हमको अपडेट करते रहेंगे। कल मॉर्निंग आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके बाय। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग, बहुत बढ़िया बेहतरीन, और हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें।